नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स सी आई टी एन सी आर टी के लाइव इंटरेक्टिव सत्र में आप सभी का मैं कुसुम प्रसाद स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर दस पर और हमारा ये सत्र है कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का और आज हम जिस शीर्षक की बात कर रहे हैं जो, जो चैप्टर लेके आए हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास इस पर हम बात करेंगे इसमें क्या कुछ है इसके अंदर इसमें हमारी जो एक्सपर्ट है जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है मैम बताएंगी आपको हमारी आज की एक्सपर्ट है डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैम नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू मैम मैम है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से और मैम बताएंगी विस्तार से इस चैप्टर के बारे में कि क्या कुछ है इसके अंदर लेकिन उससे पहले कि हम आपको बता देते हैं विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं किस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं हमारा नंबर है आठ नौ पर और इसके अलावा आप यदि ईमेल के माध्यम से हमसे अपने बात साझा करना चाहते हैं या कोई अपने विचार या कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो ये तो थे विभिन्न माध्यम किस तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी आपसे साझा करना चाहते हैं जी ट्वेंटी से रिलेटेड We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और अब हम बढ़ते हैं हमारे सत्र की तरफ कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ये सत्र है और आज का जो शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र मानस तुलसीदास से लिया गया है ये और अब हम रुक करते हैं सीधे आ, कंचन मैम की तरफ मैम ये हमें जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का संवाद है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए आ, ये पढ़ क्यों पढ़ा रहे हैं उन्हें क्यों पढ़ना जरूरी है क्या इसमें क्या रोचकता है मैम इसमें सबसे पहले तो जो लोग यहाँ सुन रहे हैं जो दर्शक देख रहे हैं और जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है और ये तो कुसुम बहुत ही रोचक पाठ है रोचक इसलिए मैं कहती हूँ कि ये इसमें बच्चे तर्क सीखते हैं Hmm. क्योंकि जिस उम्र के बच्चों के लिए ये पाठ लगा है वो बात बात में अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कभी ये तर्क तो कभी वो तर्क कई तर्क लेके आते हैं जी. तो यहाँ पे लक्ष्मण जो हैं राम के भाई hmm. राम कथा आप जानते होंगे रामलीला आपने दशहरे के वक्त देखी होगी और नहीं तो दसवीं क्लास तक आते आते क्योंकि ये पाठ कक्षा दस की हिंदी के बच्चे पढ़ रहे हैं hmm. तो आ, उन्होंने छठी क्लास में भी राम वनगमन पढ़ा है तो तुलसीदास और राम कथा रामचरित मानस से बच्चे थोड़ा परिचित हैं तो अः बच्चे जब इसमें देखेंगे कि लक्ष्मण किस तरह अपनी बात को सही करने के लिए तरह तरह का तर्क देते हैं और बहुत ही अभिनयात्मक शैली में इसमें वर्णन है तो इस उम्र में कई बच्चों को नाटक करने का अभिनय करने का बड़ा शौक आता है और उनके स्कूल में तरह तरह की गतिविधियां भी होती हैं तो वो बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं और मैं तो कहूँगी कि जब आप इसको पूरा पढ़ लें और समझ लें तो आप अपने विद्यालय में इसका मंचन भी करें और आपको बहुत रुचि आएगी क्योंकि जब ये पूरी पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें चार ही पात्र हैं hmm. एक तो लक्ष्मण मैंने कहा वो तर्क देते हैं दूसरा इसमें मुनि परशुराम जी आते हैं hmm. और जो कि बहुत क्रोधित होते हैं hmm. तो वो हैं और राम तो है ही और राम जितने ही क्रोधित परशुराम जी हो रहे हैं उतने ही शांत स्वभाव के राम है वहां पे और उनके गुरु हैं विश्वामित्र तो देखने में मंचन में भी उनको बहुत रुचि आएगी आ, दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये पाठ अवधि भाषा में है क्योंकि रामचरित मानस अवधि में लिखा गया है अभी हम बात करेंगे तुलसीदास के बारे में और भक्ति के बारे में भक्ति काल के बारे में मैं शुरू करूंगी तो आपका सवाल ये था कि ये बच्चों को क्यों रोचक लगेगा तो उसका जवाब तो ये है जी तो तो मैम आगे शुरू करें जी बिल्कुल तो आ, बच्चों रामचरितमानस का नाम तो आपने पहले भी जाना है और भारत में क्या विदेशों में भी लोग रामचरितमानस को जानते हैं दशहरे के का त्यौहार हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसमें रामलीला होती है तो राम कौन है लक्ष्मण कौन है राजा दशरथ के चार पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुहन तो लक्ष्मण और राम वनगमन को जाते हैं चौदह वर्षों के वनवास के लिए और ये कथा भी आपको मालूम है लेकिन उससे पहले मुनि विश्वामित्र उनको ले जाते हैं क्योंकि जब वो मुनि लोग धर्म के लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ राक्षस भी हैं आप आज आप कल आप लोग विलन समझ सकते हैं उनको फिल्म में देखते हैं तो तो वो राक्षस उनके युद्ध को संभव नहीं होने देते तो चूंकि ये सब तो वीर राजकुमार हैं तो मुनि विश्वामित्र उनको राजा दशरथ से लेके जाते हैं और वहाँ उसी दौरान वहाँ से वो पार करते हुए नदी को गंगा पार करते वो जाते हैं जहाँ सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है अब सीता ने जो है ये जो स्वयंवर रचा जा रहा है एक दिन सीता ने शिव जी का धनुष जिसको पिनाक नाम से जाना जाता है तो वो बाएं हाथ से उठा के रखती है वो बहुत ही खास और भारी धनुष है और जब राजा दशरथ ने देखा कि ये अंतर कथा है आ, तो ये जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा क्योंकि ये भी ख, ए, मन में ख्याल आएगा ना कि सीता ने यही शर्त क्यों रखी या राजा ने सीता के जो पिता हैं जनक ने कि धनुष जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा कुछ और भी शर्त हो सकती थी तो शर्त ऐसे ये तय हुई कि अब तो ये जब इतना भारी धनुष बिटिया ने उठा लिया है तो अब तो जो बलशाली आएगा और इसको तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा और इस तरह स्वयंवर होगा स्वयंवर माने खुद से रचा जाना खुद से चुना जाना तो अब वो बड़े बड़े राजाओं को न्योता मिला है तो मुने ने कहा चलो हम भी ले चलते हैं तुमको वहां और बड़े बड़े बलशाली राजा और कहा तो जाता है कि उसमें उस में, उस में रावण भी मौजूद था और रावण ने भी वो लेकिन वो लेकिन कोई भी शिव के उस धनुष को नहीं उठा पाया छू नहीं पाया हिला नहीं पाया और राम ने उस धनुष को तोड़ दिया अब आपका जो पाठ शुरू होता है ये उसका प्रसंग था आपका पाठ शुरू होता है यहाँ से अब बच्चों पहले आप ये जानिए पाठ शुरू करने से पहले कि ये रामचरित मानस किसने लिखा ये रामचरित मानस की रचना करने वाले हैं कवि तुलसीदास और आप देख सकते हैं कि पास में मैंने परशुराम की फोटो भी आपको दिखाई है परशुराम फरसा रखते थे फरसा आप देख रहे हैं उनके कंधे पर जो एक हथियार साहब को दिख रहा है आ, ये फरसा परशुराम और ये तुलसीदास की जो रामचरित मानस है वो ऐसा भी आप पाएंगे कई बार कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन रामचरित मानस उनको कंठस्थ है याद है और वो मूल्य जो उसके पुस्तक में दिए गए हैं वो भी हमारे आसपास के समाज में सब मौजूद हैं कहा जाता है भी राम लक्ष्मण जैसे भाई हैं भरत मिलाप है तो भरत जैसा प्रेम है राम सीता किसी जोड़ी है वो हमारे समाज में मौजूद है तो पहले आप ये जानिए कि ये जो भक्ति काल से ये बात हमें जाननी चाहिए कि जो तुलसीदास हैं वो किस काल के कवि हैं तुलसीदास 1400 से 1700 के बीच का जो भक्ति काल है उसके कवि माने जाते हैं और भक्ति काल भक्ति आंदोलन पर आधारित है आ, उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ थी कि बाह्य आक्रमण भारत पर हो रहे थे और उसकी प्रतिक्रिया में यह आंदोलन हुआ एक एक तर्क विद्वान ये कहते हैं एक दूसरा तर्क ये भी है कि नहीं दक्षिण भारत में उससे पहले ही आ, आंदोलन चल रहा था संत नामदेव के द्वारा तो ये छोटा सा परिचय आप ऐसे जानिए और भक्ति की दो धाराएँ हैं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्गुण धारा जिसका एक ईश्वर है जिसका कोई रूप आकार नहीं है जिसमें आप कबीर को पढ़ेंगे जिसमें आप जायसी को पढ़ेंगे सूफी में जायसी को पढ़ लेंगे और ज्ञानाश्रय शाखा क्योंकि भक्ति काल की दो शाखाएं हैं एक ज्ञानाश्रय शाखा तो मैंने कबीर का नाम लिया दूसरा प्रेमाश्रय शाखा सूफी कवि तो मैंने जायसी का नाम लिया फिर दूसरी भक्तिधारा है सगुण भक्तिधारा सगुण माने जिस ईश्वर का एक रूप है आकार है आप अगर तीर चलाने वाला फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई ये राम है बांसुरी लिए हुए देखते हैं तो कहते हैं कि ये कृष्ण है सूण वाले देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये गणेश जी हैं तो ये सगुण जिन ईश्वर का रूप और आकार है तो राम भक्ति धारा राम की भक्ति करने वाले जो कवि हैं वो यहाँ पर तुलसीदास हैं कृष्ण में आप सूरदास को पढ़ चुके हैं मीराबाई को पढ़ चुके हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये भक्ति की जो कविता की धारा चल रही थी उसी में से तुलसीदास एक हैं। अब आप आगे चलिए तुलसीदास के बारे में दो बातें और जानिए कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों इसमें कई अलग अलग जगहों के नाम आते हैं कुछ लोग मानते हैं बांदा राजपुर के हैं राजापुर के हैं कुछ लोग मानते हैं सोरो के हैं लेकिन अधिकांश लोग राजापुर की तरफ जाते हैं और पंद्रह में उनका जन्म हुआ था ये ये लगभग अधिकतर लोग ये मानते हैं लेकिन कुछ लोग इससे अलग इसके आसपास का सन भी दे देते हैं एन आपकी आर की पुस्तक में 1532 मौजूद है तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई सोलह में अब आप ये भी जानिए कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस भाषा में वो अवधि में लिखा हुआ है अब तुलसीदास अवधि में भी उतने ही सिद्ध जितने वो ब्रज भाषा में पारंगत थे उनकी रचनाएं ब्रज में भी पाई जाती हैं उतनी ही अच्छी तरह ब्रजभाषा में भी लिखते हैं वो तो आप उनकी रचनाओं के नाम जानिए रामचरित मानस तो आप जानी गए हैं कि वो अवधि में है विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है कवितावली भी ब्रज भाषा में गीतावली दोहावली भी है अब इन और रचनाएं हैं जो छोटी छोटी रचनाएं हैं लेकिन वो भी पढ़ी जाती हैं रामाज्ञा रामलला नेहचू बरव रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल अब आप ये भी जानिए कि किस शैली में जो हम हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा गया है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपको आप इसको देख सकते हैं लिखित है कि अवधि भाषा में रामचरित मानस है जो दोहा और चौपाई में लिखा गया है बच्चों आपके पाठ के पीछे भी ये बताया गया है कि दोहा क्या है और चौपाई क्या है और मैं बता देती हूँ आपको कि दोहा की अगर आप मात्राएं गिने तो तेरा ग्यारह मात्राओं पाई जाती हैं और चौपाई में सोलह सोलह मात्राएं पाई जाती हैं। तो दोहा और चौपाई में हमारा है तो इसकी जो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताना चाहती हूँ अब चूंकि पाठ में ही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो राम तो आप समझ गए है ना कि वो राम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण के बड़े भाई राम के छोटे भाई लक्ष्मण अब ये परशुराम कौन है थोड़ा सा ये भी आपको पहले बता देती हूँ जब दाग्नि के पुत्र थे और हमारे यहाँ इक्कीस अवतार माने जाते हैं उसमें से उन्नीसवें अवतार परशुराम माने जाते वीर थे बहुत ही वीर क्षत्रियों से धरती जीती ब्राह्मणों को दान कर दी आपको इस कविता में भी ये प्रसंग मिलेगा और उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म को शिक्षा दी कहते तो हैं कि उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी लेकिन वो युद्ध के समय उनका ज्ञान काम नहीं आया क्योंकि कर्ण ने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली थी क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्षत्रिय हैं तो इस कारण उनका श्राप था कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम तुम्हें ये विद्या काम नहीं आएगी और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों उन्होंने इतनी बार धरती जीती आ, क्यों इतने युद्ध किए तो आप ये जानिए कि सहसभा नाम का एक जो न, मैं आपको अभी बता देती हूँ आगे का पाठ में आएगा न, जो मैंने येलो पीले रंग से जो आपको कर रखा है न, मेंशन सहस सहसभा ये जब ऋषि आश्रम में परश्रम के यहाँ जब लोग यज्ञ कर रहे थे उनके पास गायें थीं और तो जो रा, ये राक्षस थे ये उनको ना यज्ञ करने देते थे उनकी कामधेनु गाय भी खींच के ले जाना चाहते थे और पूरा तहस नहस कर दिया था उनका आश्रम तो परशुराम को जब क्रोध आया तो फिर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और यही यही कारण है कि वो इतने वीर माने जाते हैं तो अब आप देखिए कि जब शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम को बहुत गुस्सा आया बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इधर तो जैसे ही धनुष टूटा यहाँ विवाह की तैयारियां हो गई कि एकदम गर्जनापूर्ण आवाज में परशुराम का आगमन होता है तो जैसे ही उनका आगमन होता है और इतने विकराल रूप में में होता है कि सभा में बैठे हुए लोग रानिया राजकुमारी सीता सीता की सकिया सब भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा और वो पूछते हैं किसने धनुष को तोड़ा अब यहाँ पाठ शुरू होता है आपका कि धनुष को किसने तोड़ा तो धनुष को जब वो सवाल पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा तो राम उसका जवाब देते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा अब आप देखिए कि जो अंतर कथाएं थी आपने जान ली लेकिन अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि ये जो प्रसंग है रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया ये भी जान लीजिए तो रामचरित मानस में सात कांड हैं बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड अरण्य मने वन जंगल कांड सुंदर कांड कांड और कांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसंग जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये बालकांड से लिया गया है और इसमें वीरस देखेंगे आप जाहिर देखेंगे मैंने परशुराम के बारे में इतनी वीरतापूर्ण गाथा आपको सुनाई और लक्ष्मण जो उनको अपनी युक्तियों से जो उनको चिढ़ाते हैं मुनि का थोड़ा आ, उपहास करते हैं उपहासपूर्ण जो तो वो उससे वो भी आपको इसमें रस मिलेगा तो अब आप मैं शुरू करती हूँ वो प्रसंग जो आपके यहाँ पाठ मौजूद है तो आपने प्रसंग जान लिया आपने कवि के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लिया और अब देखिए नाथ संबुधनु भंजनी हारा जो बच्चे सुन रहे हैं अगर आ, वो आ, अपनी स्क्रीन को देखकर या पुस्तक है तो पढ़ें क्योंकि पाठ जितनी अच्छी तरह आप करेंगे आपको अर्थ भी उतनी ही अच्छी तरह आ जाएगा अवधि है तो उच्चारण लय अच्छे से पढ़ना आएगा तो आपको उसके अर्थ में भी पता चलेगा नाथ संभु धनु अब ये शंभु धनु संभु मने शिव का जो धनुष है भंजनिहारा भंज निहारा भंजनी माने तोड़ना नाथ संबुधनु भंजन हारा होई है एक दास तुम्हारा आय सुन को ही राम कह रहे हैं कि नाथ हे नाथ स्वामी परशुराम के लिए शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा भंजनी हारा वो आप ही का कोई दास होगा आप ही का कोई दास होगा और आइए बताइए कि किस कारण से आपका आना हुआ तो रिसाई मतलब क्रोधित सुन रिसाई बोले मुनि को ही बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं परशुराम ये सुनकर कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई दास ही होगा उसने तोड़ा तो वो कहते हैं सेवक उस जो करे सेवकाई जो सेवा करे वो सेवक है अरे करनी करी करिय लड़ाई जो लड़ाई कर रहा है वो कैसे सेवक हुआ सुना हूं हु राम अब वार्निंग दे रहे हैं जैसे है ना उंगली उठा के जैसे वार्निंग उनको चेतावनी दे रहे हैं सुना हु राम ये ही शिव धनु तोड़ा राम तुम सुनो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहसभाव की तरह मेरा दुश्मन है सम रिपु मोरा रिपुमन दुश्मन किसके समान सहसभा की तरह मैंने आपको आरंभ में बताई थी सहसभाऊ की कथा कि कैसे सहसभा उनका दुश्मन हो गया तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये तनुस्स तोड़ा है वो सहसभा के समान मेरा दुश्मन हो गया उसकी भी मैं वही दशा करूंगा तो इसलिए बता रहे हैं सो बिलगाव बिहाई समाजा बिलगाव मैंने अलग करो उस व्यक्ति को इस पूरी सभा से अलग नहीं करो नहीं करोगे तो ना तो मारे जा हैं सब राजा फिर मैं सबको मारूंगा नहीं तो फिर सभी मारे जाएंगे तो एक चेतावनी दे रहे हैं कि सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्वाव के समान दुश्मन है उसको समाज से अलग करो नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे अब इतना उनका क्रोध सुनने पर लक्ष्मण जो खड़े हुए हैं जिनको यहां लखन कहा गया है सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने मुस्कुराते हैं बोले परसु धरई अवमान और जैसे उनका अवमान करने अपमान करने के थोड़े अंदाज में वो कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई हमने बचपन में धनु ही माने छोटे छोटे धनुष लड़काई माने बचपन तोरी माने तोड़ना बहुधनु ही तोरी लड़काई लड़काई हमने बचपन में बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े ना असिर की घुसाई तब तो कोई क्रोध नहीं किया धन यही धन पर ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता के हेतु इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है सुनि रिसाई भ्रगुकुल भ्रगु भ्रगुवंश के, के की ध्वजा समान जो परशुराम परशुराम भ्रघुवंश से आते थे कि वो जो भ्रघुवंश की ध्वजा समान है ये सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं क्या कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार रे न्रप न्रप मने राजा नृप बालक मैने राजा का पुत्र राजकुमार काल बस लगता है कि तुम्हारा काल निकट है मृत्यु निकट है उसके तुम वर्ष में हो गए हो इसीलिए बोलत तो ही ना संभाल तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार वो जो तो छोटी छोटी धनुया तुम बचपन में तोड़ भी देते थे उसकी उससे तुम त्रिपुरारी माने शिव के धनुष की तुलना उसके साथ कर रहे हो विदित सकल संसार सारा संसार इस बात को जानता है कि त्रिपुरारी धनुष क्या है शिव का धनुष क्या है और तुम उसकी तुलना छोटी छोटी धनुओं से कर रहे हो संभाल कर नहीं बोल रहे लगता है कि तुम मृत्यु के काल के वशीभूत हो गए हो अब आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है नाथ संबुधनु भंजनी हारा हुई है को एक दास तुम्हारा आय सुकाह कहे किन मोहि सुन रिसाई बोले मुनि को ही नाथ जिसने धनुष को तोड़ा है वो आप ही का कोई दास होगा आकर कहिए कि क्या हुआ सुनी रिसाई बोले मुनि कोई ये सुनकर तो राजा और क्रोधित परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं कहते हैं सेवक को सो जो करे सेवकाई अरी करनी करी करिए लड़ाई वो सेवक होता है जो सेवा करे जो लड़ाई करता है वो कैसा सेवक सुनो राम चेतावनी देते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सो समरिपु मोरा उस सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है सो बिहाई समाजा ना तब मारे सब राजा तो इसलिए उस व्यक्ति को अलग करो जिसने धनुष तोड़ा है नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करने की मंशा से ये अपना तर्क देते हैं कि बहुत सारी धनुया छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में तोड़े तब तो कोई ऐसा क्रोध नहीं किया किसी ने तो इस पर परशुराम और क्रोधित होते हैं और और क्रोधित होते हुए वे कहते हैं कि आप शिव के धनुष की तुलना छोटी छोटी धनुइयों से कर रहे हैं यह तो बिल्कुल ही अनुचित है और तुम ये ऐसी गलती इसलिए कर रहे हो कि तुम अपने होश में नहीं हो तुम तो कालवश हो करके बोल रहे हो लखन कहा हंसी हमरे जाना सुना हूं देव सब धनुष समान अब लक्ष्मण कह रहे हैं हंसकर कह रहे हैं कि भाई मेरी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है का छति लाभ जून धनु तोरे क्षति माने हानि लाभ क्या लाभ हानि है अगर कोई पुराना धनुष तोड़ दिया क्योंकि ये तो बहुत पुराना धनुष है शिव का तो क्या लाभ हानि है देखा राम नयन के भोरे अब इसमें देखिए जून काछति लाभ जून धनु तोरे आप जून अब तो पढ़ते हैं दो जून की रोटी जून का महीना लेकिन यहां जून मतलब पुराना क्या लाभ हानि हो गई अगर कोई पुराना धनुष टूट गया देखा नयन के भोरे और राम की तरफ थोड़ा देखते हैं कि छूत टूट हूँ न दोषु और वो तो छूते ही टूट गया तो इसमें राम को क्या दोष दिया जाए मुनि बिनु काज करिए कतु बिना कारण ही मुनि आप गुस्सा कर रहे हैं अब देखिए तर्क दे रहे हैं वो पहले तो कह रहे हैं कि कोई भी धनुष तोड़ देते थे बचपन में तो क्या गलत हुआ एक और तोड़ दिया अब और तर्क दे रहे हैं कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है वो तो पुराना धनुष था छूते ही टूट गया मुनी मिनु काज करिए क्यों बिना कारण बिना काज मन कारण हे मुनि बिना कारण क्यों इतना गुस्सा कर रहे अब परशुराम तो और क्रोधित हो गए ये सुन के बोले चितय परसुखी और जो कंधे पे फरसा रखा है ना बोले चितय परसुकी ओरा देखो मेरे इस फरसे की ओर देखो रे सठ रे मूर्ख सुने स्वभाव ना मेरा तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना मेरे बारे में सुना नहीं कि मैं कितना क्रोधी हूं बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही कितना सुंदर अनुप्रास है, है बच्चों यहाँ पे बालक बोली बधाओ तीनों शब्द बा से शुरू हो रहे हैं आप लोग अनुप्रास पढ़ते हैं दसवीं कक्षा में नाइन्थ में भी पढ़ा होगा तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जा ही मोही ये कह रहे हैं बालक बालक जानकर तुझे ना मैं तेरा बध नहीं कर रहा हूं और मुझे केवल मुनि मत समझना कि ये कोई सन्यासी हैं और ये कुछ नहीं कर सकते बाल ब्रह्मचारी अति कोही मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बचपन से ही अत्यंत क्रोधी हूँ को ही मन क्रोधी विश्वविदित दो पूरा संसार जानता है विश्व विदित पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूं उनका दुश्मन हूं उनका नाश करने वाला हूं भुजुबल भूमि भूप बिन फिर से देख लीजिए आप सुंदर अलंकार आपको मिल रहा है अनुप्रास अनुप्रास की परिभाषा बता देती हूँ मालूम होगी आपको जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो अब एक से अधिक बार दो बार भी हो सकती है तीन बार भी, सकती, बार भी हो सकती है पांच बार भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है भूमि भूप आया ना भा भा भा, भा तो वाला भूमि भूप बिन की अपनी भुजाओं के बल पे मैंने ये धरती राजाओं से विहीन कर दी और विपुल वार महिदेवन दीनी और उसको दान कर दिया सहस बाहु भुज छेद निहारा सहस बाहु की भुजाएं काट दी बिलोक बिलोक मही, महीप कुमारा महीप कुमार महीप माने भी राजा आप देखिए पर्यावाची भी आ रहे हैं आपके यहां पे महीप आया इससे पहले क्या आया था आपके लिए नृप नृप वेरी गुड आप तो बहुत सुंदर ध्यान से सुन रही है मैम <laughs> बहुत ही अच्छा <laughs> बहुत मज़ा आ रहा है बात करके यहाँ क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान से सुनने अब नृप महीप ये आपको पर्यावरण मिल रहा है और आपको आ, अलंकार भी मिल रहा है तो आप ये देखिए कि आपको आ, और साथ के लिए भी साथ साथ आप, आप बताते जा रहे हैं तो हाँ जी। वो, वो आपको मिल रहे हैं बच्चों है ना तो ये ये भी आप जब पढ़ते हैं तो हमें भाषा काव्य सौंदर्य इसका भी थोड़ा सा क्योंकि आगे जाके आप भाषा के साथ जब खेलना शुरू करेंगे जब भाषा में लिखना शुरू करेंगे और साहित्यिक रचनाएं पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आपको आनंद आएगा कि वाह क्या लिखा है क्या सुंदर अलंकार है और फिर उनका प्रयोग भी करेंगे कितना सुंदर पर्यायवाची लिखा है तो आप देखिए क्या कहते हैं कि महीप कुमारा मेरे फरसे की तरफ देखो और पहले भी कहा था रे सट सुनो स्वभाव ना मेरा मतलब आप देखो वो बार बार डरा रहे हैं लक्ष्मण को हम्म कि तुम मेरे फरसे से नहीं डर रहे हो और लक्ष्मण है कि डर ही नहीं रहे हैं तो ये ए, लक्ष्मण डर नहीं रहे हैं और परशुराम डरा रहे हैं जितना परशुराम उनको डरा रहे हैं लक्ष्मण फिर से उनको व्यंग दे रहे हैं तर्क दे रहे हैं तो बहुत ही सुंदर रोचक बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें और हम तो और जानना चाहते हैं लेकिन समय की सीमा है हम इसको आ, अच्छा। आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे इस पद को पूरा कर देते हैं दो पंक्तियां हैं माँ तो पिता ही जनु सोच बस करसी महीप किशोर अब तीसरा आया महीप किशोर है ना राजा का राज राजकुमार महीप किशोर माने राजा का पुत्र तुम्हारे माता पिता सोच करेंगे कि उनकी सोचो तुम कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया ध्यान दिलाते हैं गर्भन के अरबक दलन गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा ये फरसा मार सकता है इतना भयानक डर दिखाते हैं कि लक्ष्मण तुम अभी भी मान जाओ और इस तरह की बातें मत करो मत और सभा से बात कर रहे हैं कि मुझे बताओ कि कौन कौन है छोटा सा और आगे बता देती हूँ कि फिर लक्ष्मण फिर हंसते हैं फिर कोमलवाड़ी में कहते हैं कि हे मुनी बार बार ये अपने फरसे का डर क्यों दिखा रहे हो क्या पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो मतलब कह रहे हैं कि मैं भी तो वीर हूं तुम तो मुझे फरसे के डर दर से डराना चाहते हो यहाँ बतिया को ना कुंभड़बतियां मतलब तो वो फल है छोटा सा फल है जो जो जिसको उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है तो वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ मुझे कुमढ़बत्तियाँ मत समझो तो इतना सुंदर संवाद है इसमें इसका आगे का भाग जो है अगले व्याख्यान में पूरा होना चाहिए और बच्चों आप इसको बहुत आनंद के साथ पढ़ें बहुत अच्छा लगेगा जी मैम बिल्कुल और अगले आ, सत्र का इंतज़ार करेंगे कब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस पार्ट को हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को समझाया और इसकी व्याख्या करी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स इस सत्र को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हम आपसे साझा करना चाहते हैं We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history, as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. इसी के साथ हमारा ये जो आज का हिंदी का सत्र है यहीं समाप्त होता है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभी बहुत सारे सत्र और भी हैं हमारा अगला जो सेशन है कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए साइंस का है और चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन के बारे में आप सभी पढ़ेंगे तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर और हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार